अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 3x प्लस 4 डिवाइड 2x माइनस 5। हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है और फिर बताना है कि डोमेन एंड रेंज क्या है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की। तो सबसे पहले तो हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट करते हैं जो आपका इक्वल गिवन होता है। तो इक्वल क्या है, 3x प्लस 4 डिवाइड 2x माइनस 5, लेट कर दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो मैं ये इसको इधर ले आता हूँ, तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 3x प्लस 4। y को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2xy माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। x वाली टर्म इक्वल किस साइड पे ले आएं तो ये आ जाएगा 2xy माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 5y, इक्वल किस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। टू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 4, मल्टीप्लाई है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। पहला काम हमने कर लिया कि हमने फाइंड करना था x, लेट किया, फिर उसमें से आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्वेश्चन में देखें कि एफ ऑफ एक्स जो है तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यहाँ से एफ ऑफ एक्स तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। सो एक्स क्या आएगा, एफ इन्वर्स ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू एफ को उधर ले जाएंगे तो एफ इन्वर्स ऑफ वाई। अब f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, बल्कि ये मिटा दें, सिर्फ आपने x की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ जाएगा 5y प्लस 4 डिवाइड 2y माइनस 3, ये आपके पास आ गया f इनवर्स ऑफ y। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, f इनवर्स ऑफ x, तो y की जगह आप x लिख दें, रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y बाई एक्स। सो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 5x प्लस 4 डिवाइड 2x माइनस 3। सो ये आपके पास आ गया इनवर्स। अब हमने इसकी डोमेन और इसकी रेंज बतानी है कि फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है। पहले तो मैं लिख देता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये आया है 5x प्लस 4 डिवाइड 2x माइनस 3। सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। ये मैंने इसके लेक्चर्स बनाए हुए हैं इसके टॉपिक्स के, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या बनेंगे, किस तरह के जो वैल्यूज़ हैं या डोमेन में रेंज में किस तरह के आंसर्स आते हैं वो सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब सिर्फ जनरली इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, डोमेन के लिए आपने ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि जिसके लिए आपकी एक वैल्यूज़ आती रहें, फंक्शन की वैल्यूज़ कंटिन्यूसली आती रहें। तो वो क्या होंगी, अब देखें 2x माइनस 3 है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह कौन सी ऐसी वैल्यूज़ पुट करूँ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2x की जगह 3/2 पुट करता हूँ माइनस 3, ये आ जाएगा 3 माइनस 3, तो नीचे वाली टर्म ज़ीरो हो गई। नीचे वाली टर्म का ज़ीरो होने का मतलब ये है कि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब कि डोमेन में आपके पास ये वाला नंबर नहीं होना चाहिए 3/2, क्योंकि हमने सिर्फ यही चेक करना होता है कि आपकी एक्स वाली टर्म जो है, नीचे वाली जो टर्म है वो ज़ीरो ना हो रही हो, कोई ऐसी वैल्यू ना आए जो कि अनडिफाइंड हो।
तो हम लिख देते हैं कि आर में से अगर हम 3/2 माइनस करते हैं तो ये आपकी डोमेन बनेगी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। इसी तरह रेंज पे बात करते हैं, ये मैं एफ इनवर्स की डोमेन एंड रेंज की बात करूं। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, अच्छा एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो रेंज है वो आपकी एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगेन हम अब बात करते हैं कि हमारा फंक्शन क्या था, क्वेश्चन का फंक्शन ये था। अब इसकी हम डोमेन फाइंड करते हैं ये फंक्शन की, तो 2x-5=0, एक्स इज इक्वल्स टू 5/2, मतलब कि जो इसकी रेंज बनेगी वो क्या आएगी, r-5/2, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल फंक्शन जो हमें गिवन था वो था 3x+4/2x-5। सो इसकी डोमेन क्या आ रही है, r-5/2, और इसकी डोमेन जो है वो इनवर्स वाले की रेंज होगी। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, छोटा सा एक क्वेश्चन था। और इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमने आगे जो है वो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें या फिर, क्योंकि फोर्थ चैप्टर भी है सारा वो रिलेशंस वगैरह और रिकर्जन वगैरह इसी तरह के कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जितना जल्द हो सके उसको कवर अप किया जाए। लेकिन पहले यही है कि मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूँगा क्योंकि थर्ड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ इतना नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट और फर्स्ट चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।